थप्पड़ लगा दूंगी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, रुके दो। तुम ये कहना चाह रही हो मैं भी रोड पर बैठी हूँ यार, इस तरह होता है क्या? मैं कल दे दूंगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, जूते लेकर सोफे पे कैसे चल रहे हैं? मैं कल दे दूंगा बस। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल राजा मैजिशियन मौजूद है इस वक्त, और मेरा दोस्त मेरा जिगरी अशर यहाँ पर मौजूद है। आप लोग इसे नहीं जानते लेकिन मैं बताता चलूँ, ये अनम जावेद हमारी एक बी लोगर बहुत अच्छी आर्टिस्ट बिस्मा के नाम से बड़ी मशहूर रही है, उनके घर पे आए और इनकी मदद से आज उसके साथ हम प्रैंक करेंगे। मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, इनकी वालदेन से भी मेरी बहुत अच्छी है और अशर भी मेरा दोस्त है, तो कैमरा हमने वहाँ छुपा दिया है। आज हम करने जा रहे हैं अनम जावेद के साथ प्रैंक, तो आज देखेंगे कि अनम जावेद रियल में गुस्सा करती है तो कैसा करती है। तो अशर उसको भेजे अल्लाह का नाम लेके, फिर हम करेंगे प्रैंक। भाई बोला फैसल आए हुए, और अम्मी को कहना कि चाय वही वाली बना दे जो उस दिन बनाई थी ना अम्मा ने। थैंक यू जानी। वैसे अनम जावेद गुस्सा बिल्कुल करती नहीं है, इनके वालदेन से भी पूछा है और मैंने कभी नहीं देखा कि अनम जावेद को गुस्सा आया हो। इसको गुस्सा आता भी है ना, बात नहीं करेगी, बाकी मैंने इसको गुस्से में देखा नहीं, लेकिन आज मैं गुस्सा दिलाने आया हूँ। और जब मैं गुस्सा अनम आ गई। हेलो, वालेकुम सलाम। और अनम क्या हाल है? आप बताएं कैसे? बस अल्लाह के करम में दुआ आप लोगों की। और आंटी कैसी है? सब ठीक ठाक है। घर में अबू है नहीं है? हाँ है, घर में सो रहे हैं अभी तो फिलहाल। सोए हुए? हाँ, दोपहर में। और क्या सोचते हैं आप सोने के वक्त का? भाई नहीं, वो कह रहे थे ना यार, वो CNG किट गाड़ी की चेंज करवानी है। करवा ली अब्बा ने चेंज? हाँ करवा ली। अच्छा, नहीं परसों भी कह रहे थे कि यार वो CNG किट कोई जानने वाला हो, दुकानें तो सारी बंद है। हाँ वो असल में पता नहीं कैसे ख़राब हो गया था गाड़ी का, वो खैर अब करवा दिया, मैकेनिक को घर पर बुला लिया था तो ले गया था गाड़ी वाली सब कुछ। अच्छा अच्छा, चलो यार। खैर आपका कैसा आना हुआ, इतने हालात ख़राब हैं, आप क्यों बाहर घूम रहे हैं? यार मैं ज़रा काम से आया हुआ था, कैमरे का लेंस चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, क्यों, क्या हुआ कैमरे को? बस वही घर में थोड़ी सी शूट वगैरह कर लेते हल्का फुल्का, क्योंकि तुम्हारे सामने YouTube पर काम चल रहा है तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और हाँ, परेशानियाँ भी इतनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या शूट करूँ क्या ना करूँ। यार अनम बहुत परेशानी हो रही है, यकीन करो 12-15 दिन हो गए घर में ही बैठे हुए, कोई काम वाम नहीं है, बिल्कुल फारिग चल रहा हूँ। देखो ये तो दरअसल सभी के ऐसे आजकल चल रहे हैं बड़े ख़राब से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। काम वाम ऐसे बिल्कुल ठंडे चल रहे हैं, बिल्कुल फारिग हुआ है यार। दो पैसे आते थे YouTube वगैरह से, अब तुम्हारे सामने उसके भी काम कर ही नहीं पा रहे, बाहर निकल नहीं पा रहे, तो बहुत परेशानी थी अनम। मतलब ऐसा है कि देखो तुम तो माशाल्लाह यार दूसरी जगह भी काम की सेटिंग है, माशाल्लाह YouTube की भी अच्छी चल रही है, तो अनम बुरा नहीं मानो तो यार मैंने कभी तुम्हें बोला नहीं है। अरे क्या हो गया, बोले भी बाबा ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भी। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, तुम पता नहीं क्या सोचोगे यार, ये फैसल इस तरह की बात कर गया और बोल दिया यार। नहीं नहीं बोलो, क्या बात है अनम, तुम्हें तो पता है यार मेरा घर भी रेंट का है, मैं खुद परेशानी में रहता हूँ, तो मुझे अगर 30,000 रुपये उधार करवा दो तो अभी फौरन, क्योंकि मेरे घर का रेंट भी देना है, फिर मैं ऐसा है कि राशन वगैरह भी ख़त्म हो गया, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, अगर तुम 30,000 तक के कर दो ना, जैसे ये हालात सही हो गए, अभी ये कुछ दिनों का बोला गवर्नमेंट ने तो फिर उसके बाद तो नहीं है, मैं दे दूँगी आपको, लेकिन मसला ये है अभी मेरे पास इतना कैश तो घर में नहीं पड़ा हुआ है असल में, और घर ATM वगैरह कैसे जाएँ, अब तो टाइम भी आप देखें 5 तो बज चुके हैं, और दूसरे यार अम्मी से कह दो ना अपन चलते, मैं निकाल कर दे दूँगा आपको। अरे प्रॉब्लम वो नहीं है, आप असल में हालात ऐसे खराब है, मैं तो खुद घर से बाहर नहीं निकलूँ, मैंने अपना खुद अभी लास्ट यार अनम देखो तुम्हारे सामने ना? तुम्हारे अब्बू ने कभी काम बोला या तुम्हारे भाई ने कभी काम बोला, ताल्लुकात लगा के कुछ ना कुछ, देखो मैं हमेशा सपोर्ट करता रहूँ ना, देखो मैं अभी इस वक्त फंसा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं है, ये वक्त की परेशानी गुजर जाएगी। मैं कब मना कर रही हूँ फैसल कि आपको नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ कि मैं दे देती हूँ आपको, कि मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ जितना अमाउंट भी पड़ा हुआ मैं आपको दे देती हूँ, पर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं निकाल कर आपको ATM से दे देती हूँ, फिर बात। कितना कैश पड़ा हुआ? 5-6,000 रुपये, ज़्यादा तो नहीं। तो तुम एक काम करो ना, अब्बू से लेके या आमरा से लेके मुझे दे दो। कर दो यार, देखो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं दे देती हूँ आपको, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं आपको कल परसों मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर दे दूँगी। मुझे अर्जेंट है यार, मेरे किरायेदार जो है ना 2 दफ़ा आके गालम गलोच करके गया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई दरवाजे पे खड़ा होकर बार बार बोले किराया दे दो किराया दे दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मैंने कभी पहले कभी मांगे तुमसे। तो मैं फैसल मना नहीं कर रही आपको, मैं कह रही हूँ कि ना मैं आपको दे देती हूँ पैसे बिल्कुल, लेकिन जो है आप मुझे कल परसों तक का टाइम दे दे, मैं निकाल कर आपको ला दूंगी पैसे। यानी कैश अभी पड़े हुए नहीं है तुम्हारे? नहीं कैश है मेरे पास, तकरीबन बताया ना वो 5-6,000 रुपीज़ पड़ा हुआ होगा घर में। यार आईफोन रखा हुआ है,
अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं ये मालिक मकान के पास अगर ये गिरवी रखवा दूँ मैं, तो तुम हमारे पास कल परसों आ जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं मोबाइल ला के तुम्हें दे दूँगा। ऐसा है? मैं समझी नहीं, मतलब मैं जैसे मोबाइल ले जा रहा हूँ, मैं अपने मालिक मोबाइल, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल लेकर जा रहा हूँ, तो मैं मालिक मकान के पास रखवा दूंगा, तुम मुझे कल परसों पैसों, मैं क्या इस्तेमाल करूंगी फिर? तो यार तुम तो कल परसों पैसे दोगी ना मुझे? मुझे वापस नहीं, मैं देखे अनम तुम हाँ तो कर रही हो ना, बस यही तुम्हारे लिए बहुत है। मैं ये अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठे बैठे एक मिनट बैठे, मुझे लग रहा है कुछ आपको शायद ज्यादा ही दिमाग पे आपके सवार हो गई प्रॉब्लम। अनम ये मेरा फोन तो वापस दे दे, क्या कर रहे? मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे कल परसों देगी ना, मैं मालिक मकान के पास रखवा देता हूँ गिरवी। मेरे पास अपने पास कोई मोबाइल नहीं है, मेरे पास कोई कॉल आएगी मैं कैसे कॉल करूंगी? और यार तुमको कहना कि आमरा के मोबाइल पर फोन कर ले, सबका अलग अलग होता है, मेरे अपने कॉन्टेक्ट है, बाकी सबके अपने अपने कॉन्टेक्ट है, आप मेरा फोन तो वापस करें, मैं आपको मना थोड़ी करी हूँ पैसे देने से। मैं नहीं, कल 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 हो जाएगा पैसों का इंतजाम, कल कर दोगी आप? हाँ फिर सही है, मैं कल इंशाल्लाह मोबाइल। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं आप, रुके रुके बैठे बैठे एक मिनट, अरे बैठे बैठे फोन वापस दे। अरे मैं कल पैसे दे रही हूँ ना, तो मोबाइल दे जाऊंगा, ऐसे नहीं होता ना, आप कैसे किसी के घर में आकर किसी का फोन लेकर जा सकते हैं? यार अनम साथ काम किया इतना टाइम हो गया, आपको पता है मैंने कभी किसी से उधार मांगा मैंने? मतलब थोड़ी है कि मैं अपना फोन दे दूं आपको, क्या आप रख कर दे देंगे किसी और को? मैं कैसे अपनी मेरे पर्सनल चीज़, मैं सिम निकलवा के ला दूंगा बस। अरे सिम कैसे निकलवा कर ला देंगे, मैं आपको दे ही नहीं रही ना अपना फोन। अरे तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कल पैसे दूंगी, मैं मोबाइल आपको आपका दे दूंगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं कह रही हूँ आप मेरा फोन वापस दे दें मुझे, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन फोन तो नहीं दे सकती ना मैं आपको अपना। देखिए मुझे कल का ये लग रहा है कि कल भी तुम मुझे कह दोगी कि नहीं निकले। देखो अगर मोबाइल आपका मैंने उसको दे दिया ना, तो आप हो सकता है एक घंटे बाद ही पैसा कर दो, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं आप, मेरा फोन है, मैं कल आऊंगा मोबाइल वापस दे दूंगा। नहीं नहीं मैं आपको अपना मोबाइल ही ले जाने दूंगी, आप मेरा फोन यहाँ रखे निकाल कर, ये कोई तरीका थोड़ी है, आप किसी के घर पर आ रहे हैं और ऐसे उसका मोबाइल उठाकर लेकर जा रहे हैं कि पैसे नहीं दिए? यार किसी का मैं कुछ, तुम आगे पीछे हुई हो तो मैं मोबाइल लेके गया हूँ तुम्हारे, यार मैं नहीं दी। हाँ मैं नीचे बाइक बाइक आप कहाँ रखा है आपने, दे मेरे। अरे अनम देखो भरोसा है ना मेरे पे, यार मैंने कभी ऐसी हरकतें, बात नहीं है मेरा फोन देखे, मेरा उसमें पर्सनल डाटा है सारा मेरा, उसमें मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरी पिक्चर्स हैं, सो देखे इसमें लॉक तो लगा हुआ है ना। अरे लॉक लगा हुआ है तो मैं किससे बात करूंगी, कैसे करूंगी, कॉन्टेक्ट फोन के बगैर थोड़ी होता है किसी से। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वापस ला के दे दूंगा तुम्हें। नहीं मुझे देना ही नहीं है ना आपको वापस, वापस की कब बात हो, जब मैं आपको दे रही हूँ, मैं नहीं दे रही आपको अपना फोन, आप यहाँ रखे फोन यार अनम। अच्छा अच्छा मैं एक मिनट नीचे से होके आ रहा हूँ। नहीं 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 मैं आपको जाने नहीं दे रही आप मेरा फोन। अरे अनम देखो आप कल पैसे दोगी ना मुझे? अरे मैं आपको कल दूं परसों दूं, मेरा फोन दे यार, उधार मांग रहा हूँ ना मैं। अरे आप फोन कैसे ले सकती है मेरा, अगर आप उधार भी मांग रहे हैं तो इससे क्या? आपने हाँ बोला ना अनम, आपने हाँ बोला ना मुझे, आप कल दोगी ना? मैं आपको हाँ बोला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपना फोन दे दूंगी। आपने यहाँ से उठाया और आपने अपनी पॉकेट में रख लिया, कह रहे हैं आप लेकर जा रहे हो मालिक मकान के पास रखवा दूंगा, मैं क्या करूंगी अपने फोन के बगैर? यार तुम समझ नहीं रही अनम, बहुत परेशानी है यार, यकीन करो मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं है जो मदद करने को तैयार हो जाए, हर शख्स अपनी देख रहा है। देखिए मैं आपको मदद करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको फोन नहीं दे रही हूँ। अच्छा पैसा ले आओ, मैं बैठा हुआ मोबाइल यहीं पे लेके, तो मेरे पास तो मंगवा लो ना, मंगवा लो पैसे, मंगवा लो। तो मेरे पास अभी इतने पैसे थोड़ी है, घर में कोई 30-40 हज़ार रुपए कौन रख के घूमते है? कल दे दोगी? हाँ तो बोल तो रही हूँ, कल मोबाइल। अरे नहीं भाई मैं नहीं दे रही आपको अपना फोन, आप फोन रखे मेरा मोबाइल, कल दे दूँ मैं तो, मैं आपको, अरे नहीं मैं आपको नहीं दे रही ना अपना, ना यार नहीं आप मेरा फोन रखिए, मैं मोबाइल मैं कल दे दूंगा, कल दे दूंगा पैसे दोगी, कल मोबाइल ले आऊंगा। नहीं तो कोई तरीका थोड़ी है, मैं कल दे दूंगा मोबाइल, मैं आपको दे ही नहीं रही अपना फोन, कल आप देंगे। देखो अम्मी आवाज दे रही आप अंदर, आप मेरा देखे फोन दे मेरा यार है ना, फोन दे आप मेरा, ऐसे कोई तरीका नहीं होता किसी के घर पर आप जाके इस तरह की हरकत करते हैं। यार हरकत पहले कभी इस तरह मैंने किया? कभी आपसे 50 का नोट भी उधार मांगा? इस वक्त मैं परेशान, पैसों की तो नहीं है ना, आपको मैं कह तो रही हूँ जितने मेरे पास है उतने मैं आपको दे देती हूँ, बाकी रिमेनिंग जो रह जाता है आपको जितने की जरूरत है मैं आपको कल दे दूंगी। पक्की बात है? हाँ तो चलो मैं मोबाइल दे दूँ, घर की कोई चीज गिरवी, ये LCD उतार के ले। क्या बातें कर रहे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? अरे हटे यहाँ से भाई, आप जाएं मेरे घर से, मुझे यार कुछ कोई बात ही नहीं करनी, खुदा की उधार दे दो। अच्छा मैं ये लैंप ले जाता हूँ। क्या कर रहे हैं यार, वापस रखे चीजें, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ उधार में दे दो ना, मैं बोल तो रहा हूँ कल दोगे मैं वापस दे दूंगा। अरे मुझे मुझे अच्छा ये ले जाता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं भाई, मेरे घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, कैसे लोगों से बातचीत करती हूँ मैं, आप प्लीज मेरा फोन वोन वापस करें यार, मैं आप मैं दे रहा हूँ, तुम गिरवी कुछ रखवाओगी तो मैं दूंगी, घर से कोई चीज गिरवी रखवा दे, मैं आपको कह तो रही हूँ मैं आपको पैसे दे दूंगी, कोई तरीका है किसी के घर में आज चीजें उठा रहे हैं आप, मेरे घर समझ नहीं रही यार, मैं परेशान हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ बहुत।
मैं मोबाइल ही लेके जाऊँ। अरे भाई मैंने दे दिया आपको मोबाइल, मेरा मोबाइल दे भाई, वापस दे दो भाई मेरा मोबाइल, मुझे नहीं, मुझे आपसे कोई, मैं कल दे दूँ, मैं कल दे कराना, मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना आपसे, मेरा फोन वापस, मैं कल दे दूंगा, मैं कल दे दूंगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, जूते लेकर सोफे पे कैसे चल रहे हैं? मैं कल दे दूंगा बस देख। अरे भाई मेरा मोबाइल दो भाई वापस, क्या तरीका है? घर में सब सुन लेंगे, शोर शराबा नहीं करो, मैं कल दे दूंगा। सबको बुलाऊंगी, घर वालों को, मैं नीचे गार्ड जो खड़ा है ना उससे भी बुलाकर आपको, मैं खिड़की से चला जाता हूँ, गार्ड की टेंशन नहीं लो, बस चल। आप मेरी बात सुने, मेरा मोबाइल दें, कहीं का रखा है? देखो दे दे, अनम ऐसे बुरी बात होती है, हाथ नहीं मारो जेब पे, मैं ला दूंगा, हट जाओ। अरे मुझे लग रहा मुझे ना कोई दौरा उड़ जाएगा, पागल हो जाऊंगी मैं, ये आप क्या हरकत करें, नशा शत्र। कौन सी सिगरेट पीते हो ना? क्या मजाक कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ यार, घर में 15 दिन से घर में बैठा हुआ हूँ, काम नहीं किया मैंने, मैं उधार लेने आया। आप 15 दिन से घर में बैठे ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं रोडों पर निकले हैं, आपसे भी बुरे हालात में हैं लोग, इसका मतलब ये थोड़ी तो मैं भी रोड पे बैठ गया हूँ। अरे तो आपको कब बोल रही हूँ मैं रोड पे बैठे, मैं तो ये नहीं कह रही, ये कहना चाह रही हूँ मैं भी रोड पे बैठ गया हूँ यार, इस तरह होता है क्या? आप मेरा मोबाइल दें नहीं, अपने घर वालों का सब दिखाऊं तमाशा, बुला लो, क्या करूं मैं अपने भाई को बुलाती हूँ जिसने आपको अंदर आने दिया था ना, बुला लो, बुला लो भाई, बुला लो, बुला लो। अम्मी अरे कहां जा रहे हैं आप, रुके दो। ठीक है मैं ये कुशन भी ले जा रहा हूँ मोबाइल पे। अरे क्या कर रहे हैं यार, रखिए आप तो बिल्कुल ही बदतमीज हैं यार, क्या हो गया, मैं मोबाइल पे, मोबाइल के ऊपर यार मिल जाएंगे पैसे, मैं दे दूंगा। देखिए मैं आपको अब थप्पड़ लगा दूंगी अगर मेरा फोन नहीं दिया तो। क्या तुम मोबाइल के लिए मुझे थप्पड़ लगाओगी? मैं क्या करूं, आप दे ही नहीं रहे फोन, मैंने बोला कि मैं तुम्हें टक्कर मार सकता हूं, मैंने बोला देखो ये भी अशरा बोला ले जा, मैं यार क्या पॉकेट में रखा हुआ, एक मिनट तू इतना गुस्सा करिए, मेरी माँ सबर कर जा, मोबाइल बहुत शुक्रिया भाई, देखा अनम जावेद दिल की भी बहुत अच्छी है, 30,000 रुपए, कोई 30 रुपए उधार ना दे मेरे को, लेकिन मेरे को 30,000 रुपए उधार देने के लिए तैयार हो गई थी, और देखा गुस्से में कितना लाल हो गई, लाल पकड़ो हो गई। जी हाँ, इनका यूट्यूब के ऊपर भी लोग चैनल है अनम जावेद के नाम से, अनम बताया अपनी तफसील जरा सी, थोड़ा अपने वापस अपने सेंसेस में आ जाओ। अच्छा वापस अपनी अनम बन जाए, ये इस वक्त कुछ और बन गई थी अनम, अनम बताया अपने चैनल के हवाले से। मेरा YouTube पे चैनल है अनम जावेद के नाम से, और व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, इस तरह की प्रैंक्स वगैरह नहीं करती, ये नहीं है कभी, तो आज मेरे साथ हो गया, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया, इनको तजर्बा हो गया प्रैंक करने का, ये भी अब प्रैंक करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आज कुछ बातचीत करेंगे इनसे, हमारी सेटिंग बनी हुई, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ प्रैंक कॉल में अनम जावेद भी हो, आज हम बात करते हैं, अगर ये हमारे साथ करेगी तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारे साथ ये प्रैंक कॉल पे होगी, हमने इनका लिंक डाल दिया है, तो इनके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, इन्होंने मेरे चैनल का लिंक डाला होगा, आप चैनल मेरा देख कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो अनम के फॉलोवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे लिंक को जरूर क्लिक कीजिएगा, इन्होंने डाल दिया है अपने चैनल पर हमारा लिंक, तो मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ और इसी तरह मुस्कुराते हुए, शुक्रिया।